भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की। इस दौरान चार जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा अब तक क्या क्या कार्य किए गए और संगठन की तरफ से और क्या करने की जरूरत है, इन सभी बातों का फीडबैक लिया। इस कार्यक्रम के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर 30 दिसंबर तक चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक होनी थी। हर जगह की बैठक समाप्त हो चुकी है। संगठन का जो एक प्रारूप है, मतदाता संगठन, चुनाव प्रबंधन, प्रचार प्रसार, उनकी कार्य योजना क्या है, उनकी जानकारी अलग अलग हो लेना। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि साल 2022 के चुनाव जीतने की रणनीति, चुनाव जीतने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का संकल्प दिया है, उसे हम कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के दम पर जीत कर दिखाएंगे। चुनाव में हम विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। आज के बैठक में चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई गई। कोशिश करेंगे कि इस जनपद में और आसपास के जनपदों में हम चुनाव जीतें। इस दौरान सैदपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं में कई गुट होने के सवाल पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चुनाव चिन्ह हमारा कमल है और कमल को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। सपा बसपा एक ट्रस्ट है, वह विचारधारा नहीं है, लेकिन हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सभी के घर पानी और पक्का मकान 2024 तक करके देने का वादा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी पर बोलते हुए कहा कि जनता जनार्दन सब समझती है, इस राज्य को गुंडों से मुक्ति मिली है जो अब सब देख भी रहे हैं।